जी एनर्जी, जिसके बारे में आपने कई यूट्यूबर से सुना होगा और आजकल ये टॉपिक भी बहुत फेमस हो रखा है। टाई ची, ये आप बेसिकली प्राण ऊर्जा को कह सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो इसके बारे में सर्च करते हैं वो ये है कि ची एनर्जी से किसी भी चीज को कैसे हिलाएं, किसी इंसान को धक्का कैसे दे बिना छुए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो कि अगर आप यूज करेंगे तो आप ची एनर्जी को बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आई एम स्पाई टेक एंड यू आर वॉचिंग स्पिरिचुअल टेक। तो ची एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले तो बात करेंगे व्हाट इज ची एनर्जी। ची एनर्जी एक चाइनीज शब्द है और ची एनर्जी का मतलब होता है लाइफ एनर्जी, जिसकी वजह से आप जी रहे हैं। आत्मा नहीं, लेकिन कुछ कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, जिसकी वजह से आप कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रांगनेस है, उसी को हम ची एनर्जी कहते हैं। ये हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम इसका यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे अंदर कम मात्रा में है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और हमें इसका यूज करना नहीं आता है। यही दो कारण हैं जिसकी वजह से हम ची एनर्जी का उतना सही यूज नहीं कर सकते जितना कि एक टाई ची मॉन्क कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले इस वीडियो को खोलने से देखा होगा कि जो ची एनर्जी में मास्टर होते हैं मॉन्क, वो दूसरे बंदों को बिना छुए उन्हें धक्का दे देते हैं। वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं शारीरिक तौर पे कि अगर वो अपने हाथ के अंदर कील भी घुसाएं तो भी कील मुड़ जाएगी पर उनके हाथ के अंदर नहीं घुसेगी। यही एक सबसे बड़ा फायदा होता है ची एनर्जी का। अब बात करते हैं टाई व्हील के बारे में, जो कि आपने हमारे टाइटल पे देखा होगा। टाई व्हील कैसे बनाते हैं? ये बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो आपको अपने हाथों को क्लैप करना होता है, जोर जोर से क्लैप करना है और उसे रब करना होता है। इसके बाद आपको ऐसा फील करना है कि जैसे आपके हाथ में एक बॉल है। जब आपको फील होने लगे कि आपके हाथ में एक बॉल है, तब आपको ये भी साथ में फील होगा कि आपके हाथ रिपेल कर रहे हैं, जैसे कि बॉल बड़ी होती जा रही है और बड़ी। यही टाई बॉल होती है। इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप ची एनर्जी को सीखोगे ना, तो आपको उसको बॉल की फॉर्म में महसूस करना पड़ेगा। आप जैसे उसे बॉल की फॉर्म में महसूस करोगे और इधर उधर मूव करने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप फुटबॉल को फेंकना चाहो, वैसे ही आप इस ची एनर्जी को जब फेंकोगे तो दूसरी ऑब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। और यही बेसिक पावर है किसी भी इंसान को धक्का मार के हिलाने की। ची एनर्जी के सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं है। अगर आपको ची एनर्जी आती है तो आप खुद को हील कर सकते हैं। अगर आपको ची एनर्जी आती है तो फिर आप एक तरीके से स्पिरिचुअली दूसरों से काफी ऊपर उठ जाते हैं। ची एनर्जी के आने से आपके अंदर काफी सारी साइकिक एबिलिटीज आ जाती हैं और आपके चक्रास से भी इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसे डेवलप कैसे किया जाए, मतलब इसे सीखा कैसे जाए। ची एनर्जी बात कर ली हमने, सभी के अंदर होती है। अब बात करनी है इसको सीखा कैसे जाए, मतलब इसको और ज्यादा बढ़ाया कैसे जाए। सबसे पहले तो ची एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कई तरीके अपना सकते हैं। मैं आपको 3 डेवलपमेंट के तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ची एनर्जी की अमाउंट आपके अंदर बढ़ेगी। और वो 3 तरीके हैं थ्रू फिजिकल मेथड, थ्रू स्पिरिचुअल मेथड और थ्रू मेंटल मेथड। फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं वो जान लेते हैं। फिजिकल मेथड्स के अंदर आते हैं जो कि आपके कराटे, मार्शल आर्ट वगैरह हैं। इनको प्रैक्टिस करने से आप कई हद तक ची एनर्जी को अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे कि द चेन्नई वर्सेस चाइना इंडिया में साउथ की मलयालम फिल्म। इसमें क्या है कि बेसिकली बौद्ध धर्म कुंग फू लेके गए थे चाइना में, तो उन्होंने वहां पे कई सारे चाइनीज को ये सिखाया और ये अब इतना ज्यादा फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो इससे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुंग फू के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो ऊपर आई बटन में एक बार यस और नो में आंसर दे देना। तो जो कुंग फू है, इसे अगर आप प्रैक्टिस करें, बेसिकली मार्शल आर्ट, तो आपकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो क्लिप आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग आपकी बॉडी भी हो सकती है अगर आप ची प्रैक्टिस करें तो। तो अब बात करते हैं मेंटल मेथड। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आप ब्रीथिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं और सिंपल मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी इस ची एनर्जी को जगाने के लिए। थ्रू स्पिरिचुअल मेथड दो तरीकों से आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। वो है, पहली चीज, अपनी एनर्जी को आपको एक ऑब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर देना है, एक एनर्जी, दूसरा फोकस, दोनों को आपको एक चीज पे लगा देना है।
आपको अपनी एनर्जी तो उस पर लगानी है, पर ऐसा महसूस करना कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। जब आप ये फील करेंगे थोड़े थोड़े दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उस चीज से कनेक्ट हो चुके हैं, फिर आप उसके साथ टेलीकिनेसिस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए, और एक बार जरूर बताइएगा कि मुझे कुंग फू के ऊपर एक वीडियो डालनी चाहिए या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.